मतलब ये चाहते हैं कुछ ना कुछ साउथ का डंका हो। देखो भैया मैं कह रहा हूँ ना, अब इंडिया सिनेमा का रुख बदल रहा है। आज से कुछ सालों में ये बॉलीवुड टॉलीवुड कॉलीवुड स्कैंडल उड सब हट जाएगा, सिर्फ एक होगा। किसी ने सची कहा, समय और भाग्य बदलने में देरी नहीं लगती भाई। जब एक वक्त था जब ये साउथ इंडियन के सितारे, तमिल ले लो, तेलुगु ले लो, कन्नड़ इंडस्ट्री ले लो, ये थोड़े बहुत ट्राई करते रहते थे बॉलीवुड में जाने की, और काफी लोग गए भी। देखिए आपने वेंकटेश की मूवी देखी होगी तकदीर वाला, और फिर चिरंजीवी का भी देखा होगा, नागार्जुन का भी देखा होगा, और अपने रामचरण को देखा होगा जंजीर मूवी में, और अपने रक्त चरित्र में सूर्या को देखा होगा। ये सारे सितारे जब कभी ना कभी अपने प्रेजेंस दिखाने के लिए, अपने एक्टिंग स्किल दिखाने के लिए बॉलीवुड में गए हैं। और भाई ये उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी। बॉलीवुड उस समय काफी बड़ा था, हिंदी फिल्में बनती थी, बिग बजट फिल्में बनती थी, इसलिए लोग वहाँ जाना चाहते थे। और इधर साउथ के सिनेमा सभी बटे हुए थे अपने रीजनल लैंग्वेज में, जैसे अपने यूपी बिहार में कैसे भोजपुरी सिनेमा चलता है वैसे साउथ इंडस्ट्री थी। लेकिन अब टाइम पलट चुका है। रिसेंटली कितने फिल्में बनी जिसमें साउथ वाले बॉलीवुड में गए होंगे? कोई नहीं, सब साउथ में ही आ रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली अपने चिरंजीवी की सायरा नरसिम्हा रेड्डी मूवी देखी होगी जिसमें महानायक अमिताभ बच्चन गए, और फिर अजय देवगन आलिया को आरआरआर में देख लो। और ये तो छोड़ो, केजीएफ 2 की बात कर लेते जिसमें मेन विलेन संजय दत्त ही थे, और अमिना टंडन भी पीएम थी। और जिसके बाद खबर ये आ रही है कि ऐश्वर्या राय एक साउथ की मूवी में जा रही है, और बताया ये जा रहा है कि वो मूवी बाहुबली से भी बड़ी फिल्म होगी। और अपने अक्षय कुमार को ही देख लीजिए जो सूर्या के साथ एक मूवी करने के लिए तमिल में जा रहे, लेकिन अभी तक ये नहीं रिवील किया गया भाई वो फिल्म में विलेन होंगे या छोटा सा कैरेक्टर होगा, पता ना क्या होगा। और बस कुछ ही एक्टर बचे जिसमें आमिर खान अपने फिल्म में नागा चैतन्य को रख लिया लाल सिंह चड्ढा में। मतलब ये चाहते हैं कुछ ना कुछ साउथ का डंका हो। देखो भाई मैं कह रहा हूँ, अब इंडियन सिनेमा का रुख बदल रहा है। अब से कुछ सालों में ये बॉलीवुड टॉलीवुड कॉलीवुड स्कैंडल उड सब हट जाएगा, सिर्फ एक होगा इंडियन सिनेमा, जहाँ आपको साउथ की हर एक मूवी हिंदी में भी बनेगी, और बॉलीवुड की फिल्में साउथ की रीजनल लैंग्वेज में भी दिखेगी। जैसे कि आप देखी लो जो अक्षय कुमार की पृथ्वीराज मूवी का टीजर आया है वो हिंदी के साथ साथ तेलुगु में भी आया है। देखिए ये सब बदलाव सिर्फ साउथ वाले कर्मा और मेहनत के कारण ही हुआ। उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री कितनी ऊंचाई पर ले गए ना कि उनके साथ हर कोई काम करना चाहता है भाई। जबकि सिनेमा तो बॉलीवुड में भी निकलती है पंजाबी लैंग्वेज में, और भोजपुरी की भी फिल्में आती हैं, पर पूरे देश में कल पैन इंडिया स्टार का ही बोलबाला है। खैर आप क्या कहना चाहेंगे न्यू इंडिया के न्यू सिनेमा के बारे में, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।